नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, कौन सर? नमस्ते। हाँ नमस्ते सर, मैं रोहित बोल रहा हूँ। सर मैंने बीएड किया था। हाँ जी। और केबीएस का एग्जाम दिया था। केबीएस पीआरटी जी, मैंने आपसे एक बार और पहले बात कर चुका हूँ। सर उसमें 142 मार्क्स थे मेरे 142। हाँ जी, पहले बात हुई है, बताइए। तो सर मैं उसी बारे में पूछ रहा हूँ, आप कुछ हो सकता है क्या उसमें? कोई चांस वगैरह है अब जैसे गजट के बाद अगर दोबारा कुछ? ये इंटरव्यू होने के बाद रिजल्ट आया, अभी ज्वाइनिंग हो गई है या नहीं है? सर ज्वाइनिंग हो गई है, शायद हमारे क्षेत्र से एक लड़की कल सिलेक्शन हुआ है तो हो गई। ओके, तो चूँकि जो है अभी तक बीएड के लिए जो है कोई नया गजट अभी आया नहीं है जी सर, तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके अनुसार ही सब कुछ चल रहा है। तो अब जो है ये मान करके चलिए कि अभी जो नया बिल HECI पास होना है इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। अभी बिल पास होगा, इसके बाद जो HECI गजट जारी करेगा। संसद सत्र चल रहा है, इसी में बिल तो पास हो जाएगा लेकिन गजट आने में तो वक्त लगेगा ना। पर गजट आने में कितना वक्त लग जाएगा लगभग? अभी HECI बनेगा, बनने के बाद जो है ये देखिए कब तक जारी करता है। फिर भी मानकर चलिए कि कम से कम जो है कुछ नहीं तो महीने दो महीने तो लगेंगे ही। महीने दो महीने? अभी तो बिल भी नहीं पास हुआ है ना, अभी तो संसद सत्र जो है 22 तक है, इसी बीच पास होगा। उसके बाद फिर वहाँ सदस्यों का जो है चुनाव होगा, चयन होगा। ठीक। और फिर जब सदस्य चुन लिए जाएंगे तो फिर काम आगे बढ़ेगा ना। उसके बाद तो महीने दो महीने का इसमें वक्त जाएगा। तो जो चीज़ें हो गई हैं अब उसी पर आगे बढ़ेंगे। फिर जो नेक्स्ट आगे जो कुछ होना होगा तो उस पर फोकस कीजिए अब। तो इसका खत्म ही है मान लो सर? मान करके तो यही चलिए। और अगर इसमें कुछ होता भी है तो आपको करने के लिए तो कुछ है नहीं, जो भी करना है अब केवी को करना है। तो जब भी आगे कुछ होगा तो न्यूज आएगा ही, तो इस पर जो है ज्यादा समय ना बिताइए, इस पर ज्यादा ध्यान ना दीजिए। बस नजर रखिए इस पर कि क्या चल रहा है, कुछ आता है या नहीं आता है। बाकी नेक्स्ट जो भी आप एग्जाम वगैरह देना है उस पर फोकस कीजिए। एग्जाम तो सर इसमें कोई भी नहीं है, सीटेट यूपीटेट दोनों निकले गए हैं। अब आगे तो बस बैलेंस ही बनता था यूपी में कोई। तो सीटेट और सारी चीजें निकली हुई हैं तो आगे कोई ना कोई भर्ती कहीं ना कहीं तो आएगी ही। अब ऐसा नहीं कि केवी में भर्ती आया था तो अब भर्ती आएगा ही नहीं, केवी में भी आएगा। क्योंकि हर साल जो है बहुत सारे लोग कई कारणों से छोड़ करके जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है प्रमोशन वगैरह के माध्यम से ऊपर चले जाते हैं, और भी कई कारणों से जो है पद खाली होते रहते हैं। जैसे किसी का मान लीजिए कि अभी ज्वाइन किए अभी 6,000 लोग, और कोई जरूरी तो नहीं हर किसी को जो है अपने आसपास ही मिल जाए। अब कोई रहने वाला है यूपी का, दिल्ली का, हरियाणा का, और उसको मान लेते हैं कि मिल गया नॉर्थ ईस्ट में या साउथ में, तो वो बंदा वेट करेगा। अगर कोई उसका रिजल्ट होगा तो उसमें ही जैसे ही कुछ क्लियर होगा, जैसे मान लीजिए बिहार भर्ती हुई, अभी एग्जाम वगैरह हो रहे हैं और भी सारी चीज़ें, अन्य राज्यों में भी कुछ न कुछ चलेगा, कहीं पर जिस भी राज्य का बंदा होगा उसका अपने राज्य में स्टेट में कहीं कुछ हो जाएगा तो बहुत सारे लोग छोड़ करके आ जाते हैं कि केवी में तो अभी टाइम लगने वाला है, ट्रांसफर होने में कई साल लगेंगे। तो सीटें कई कार्डों से खाली होती हैं। तो इस जैसे 6,000 आया था ऐसे ही आगे भी आएगा, तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और अगर अपने स्टेट का देखेंगे तो यहाँ पर भी आयोग का गठन हो रहा है। सर इस हमारा स्टेट वाला यूपी वाला ये कब तक लगभग टाइम क्या मतलब जैसे वैकेंसी वगैरह इसमें आना? यूपी में जनवरी तक जो है गठन हो जाएगा आयोग का, सदस्यों का चयन हो जाएगा। और मान करके चलिए फरवरी में या मार्च में कैलेंडर जारी हो जाएगा आयोग का। तो फिर जैसे कैलेंडर जारी होगा तो एक फिक्स टाइम पता चल जाएगा इस समय हमारा एग्जाम होगा? हाँ, ये आयोग इसीलिए बनाए जा रहे हैं ताकि जो भी भर्तियां अब आगे होनी हैं, कब कब भर्तियां होंगी,
वो पहले से ही डिक्लेयर किया जा सके, सबको पता रहे, और हर वर्ष भर्ती लेकर के आना है, इसलिए ही बनाया जा रहा है ये आयोग कि हर साल ये भर्ती लेकर आएगा, जो भी पद आगे खाली होंगे उनको हर साल भरते चलेंगे, क्योंकि अब संविदा योजनाएं तो बंद कर रहे हैं, जो संविदा योजना बंद कर रहे हैं, कोई रिटायर हुआ, किसी की डेथ हो गई, कोई प्रमोशन पा गया या किसी और भर्ती में चला गया, तो हर वर्ष जो है कुछ न कुछ तो पद खाली होंगे, रिटायरमेंट से ही 10,000-15,000 पद खाली होते हैं हर साल। 15,000 लगभग होते हैं खाली। तो ये पद जो है इनको वर्ष में 2 बार जो है निकालना है विज्ञापन, और 2 बार भर्ती करना है, और मान कर चला जाए कि अगर 2 बार भी नहीं, 1 बार भी होता है हर साल, तो हर साल तो भर्ती आएगी, और जनवरी में गठन हो जा रहा है तो फरवरी मार्च में उम्मीद कीजिए कैलेंडर जारी हो जाएगा। हमें तो उम्मीद है कि हो सकता है फरवरी में ही हो जाए। जून के अप्रोक्सीमेशन लगभग अगर उन्होंने कैलेंडर जारी करा जून जुलाई में, डेट बताने का पुराने जो भर्ती पेंडिंग है, टीजीटी, पीएचटी, एलटी, जो भी जहाँ रुके हुए हैं, कोई एग्जाम कराना है, कहीं किसी में ज्वाइनिंग देना है, वो सारी चीजें आयोग का गठन होते ही शुरू हो जाएगा, कैलेंडर भी जारी हो जाएगा, तो टीजीटी भी आएगा, पीजीटी भी आएगा, जूनियर का भी आएगा, प्राइमरी भी आएगा, सब जो भी पद जहाँ भी खाली हैं वो सब धीरे धीरे भरे जाएंगे, और चूंकि ये सब कुछ एनईपी के तहत हो रहा है तो एनईपी के अनुसार जो है वो सारे पद भरने हैं, क्योंकि 31 मार्च 2024 को आरटी एक्ट को लागू हुए 15 साल होने जा रहे हैं, और जो उससे छूट की समय सीमा दी गई, पहले 5 साल था, फिर बढ़ाकर 10 साल किया गया, और 31 मार्च 2024 को तो 15 साल होने जा रहे हैं। इसी वजह से जो है ये केंद्रीय विद्यालय का जो वैकेंसी आया, पीआरटी या टीजीटी या पीजीटी, ये इसीलिए लाया गया इतना ज्यादा ज्यादा पद, कि सारे पद जो भी जहाँ खाली हैं जल्दी जल्दी उनको भरना है। केंद्र सरकार अपना करके अब राज्यों की तरफ बढ़ेगी, राज्यों पर कड़ाई करेगी, तो जो भी पुराने पद खाली हैं, जो भी पहले से स्कूल चल रहे हैं और वहां पर जो मानक है उसके अनुसार सीटें खाली हैं, उन सबको 2024-25 में भरवाना है, तो उसी तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही आयोग गठन हो जाएगा तो यूपी में भी वैकेंसी जो है देखने को मिलेगी, मानकर चलिए मैक्सिमम जो है फरवरी मार्च कैलेंडर आने में, जहां कैलेंडर आएगा तो कंफर्म हो जाएगा कि कब आएगी भर्ती, कब होगा एग्जाम। कैलेंडर कैलेंडर आ जाएगा तो पता चल जाएगा राइट टाइम के, हाँ बस ये होना है। मतलब सर ऐसे चलेगा रहा मैटर, जैसे यूपीएससी कैलेंडर जारी करता है, जैसे यूपीएससी कैलेंडर जारी करता है बिल्कुल वैसे ही, वैसे ही। वैसे ही तो सर बीएड का तो कंफर्म है ना, बिल्कुल प्रॉब्लम तो नहीं आएगी इसमें अब आगे। अब ये देखिए कि एनसीटी के जो रूल्स हैं उससे कौन संतुष्ट है। अभी आप देख रहे हैं कि जो एनआईएस डीएलएड वाले हैं, सर उन्हें बाहर कर दिया। बाहर तो नहीं किया है, वो अंदर थे ही कब, तो उनका जो डिमांड था तो वो कोर्ट कचहरी गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन एनसीटी के रूल रेगुलेशन जो इस तरह के अभी तक जो बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी उनके फेवर में नहीं हुआ, तो वो जो है परेशान है। बीएड का गजट रद्द हो गया, बीएड वाले भी परेशान हैं। इसके पहले जो है शिक्षा मित्रों का हुआ था समायोजन यूपी में, वो भी जो है डिस्टर्ब है, और आप देख रहे हैं लगातार जो है, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय की भर्ती हो या बिहार भर्ती, तो तरह तरह के विवाद हर जगह हो रहे हैं, बीएड वाले बाहर हो रहे हैं, तो समस्याएं तो बनी हुई हैं, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि सारे डिप्लोमा बंद करके सिर्फ बीएड को ही रखना है, तो जब एचएससीआई बन जाएगा। एनईटी में तो उसका डीएलएड का तो नाम ही नहीं है बेटी की, जो उसका बीएड के नाम है चार 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय। वाला। तो जैसे ही एचएससीआई ये बनकर तैयार होगा तो ये नए नए रूल बनाएगा, क्योंकि बीएड का जो गजट रद्द हुआ था तो एनसीटी के पास पावर भी लिमिटेड थे, और एनसीटी के इतने समय समय पर रूल्स बदले हैं, उनके कारण जो है बहुत सारे विवाद हो रहे थे। तो अब जब ये एनसीटी ही खत्म हो जाएगा तो अब जो है एचसीआई जो नया बनेगा इसके पास जो पावर होंगे वो वर्तमान स्थिति को देखते हुए दिया जाएगा, और एनसीटी का जो है निर्माण जिस वक्त हुआ था उस वक्त उस समय को देखते हुए उससे पावर दिए गए थे, तो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही ये एचसीआई का गठन किया जा रहा है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कुछ भी है वो सब कुछ पूरा करने के लिए ही ये सब किया जा रहा है। तो जैसे ही एचसीआई ये बिल पास हो जाएगा, अभी कल एक बिल पास हुआ है, आपने शायद देखा होगा, सर नहीं मैंने कल वाला तो नहीं देखा, मैं आपके बस आपका ही न्यूज़ देखता हूँ और किसी पे बिलीव नहीं होता ना। तो हमने हाँ
हमने जो है टेलीग्राम में भी और व्हाट्सएप पर भी जो कल बिल पास हुआ है उसका डाले हुए हैं, देख लीजिएगा। आज ठीक सर है। देखा नहीं था, शादी में थे तो मैंने देखा नहीं था, पड़ोस में थे तो मैंने अच्छा, देखा नहीं। तो तेलंगाना में जी एक जो है वो था केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय वहाँ स्थापित करना था, जिसमें काफी समय से वो पेंडिंग था, तो उससे संबंधित एक बिल कल पास हुआ है। कल धर्मेंद्र प्रधान जी जो है इस पर अपना जो भी स्टेटमेंट वगैरह था, जो भी सवाल किए गए उस पर जवाब दे रहे थे। टीवी देखना चाहिए था। तो और चीजें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है वो सारी चीजें चर्चा हो रही थी, तो ये सब चीजें जब होती हैं तो देखा कीजिए, थोड़ा सा नॉलेज बढ़ेगा, जानकारी बढ़ेगी, वो क्या कह रहे हैं। और हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरा पढ़ें और चाहे लोग का 5 मिनट 10 मिनट का जो है जो भी ये लोग चर्चा कर रहे हैं वो सुन लें, तो उसमें ज्यादा फायदा होगा। ये लोग जो है सिलेक्टेड पॉइंट पर चर्चा करते हैं। खैर, तो कल एक बिल पास हुआ है ये केंद्रीय विश्वविद्यालय वाला, और उम्मीद है कि आने वाले कुछ ही दिनों में ये भी बिल पास हो जाएगा, CCI वाला। सर बैच 22-23 तक अपना भी तो पास हो जाएगा ना, इसमें ये बिल अब बाईस कंफर्म तक नहीं है। जी 22 तक संसद सत्र है, तो सर 22 तक में पूरी उम्मीद है कि ये पास हो जाएगा, क्योंकि BEd को वैलिड बिना किए जो है समस्याएं आ रही हैं। अभी ये HECI बिल पास होगा, फिर जी सदस्यों का चयन होगा, उसके बाद मीटिंग वगैरह करके तब जो है नया गजट जारी होगा। तो एक लंबा प्रोसेस है, अभी इसमें समय लगने वाला है। गए गुजरे में कम से कम मान के चला जाए तो 2 महीने कम से कम, या 3 महीने। जनवरी फरवरी में पहुंचेगा, फरवरी में। तो प्रोसेस लंबा है, इसलिए अब जो है ये बिल हर हाल में पास हो जाएगा, क्योंकि अगर इसमें नहीं पास होगा तो इसके बाद तो फिर जो है वो बजट सत्र आ जाएगा, और बजट सत्र फरवरी में होगा, उसमें मेनली बजट होता है। मान लेते हैं अगर उसमें भी बिल अगर लाएंगे तो फिर तो और आगे बढ़ेगा ना, और इधर जो है विवाद बढ़ते जा रहे हैं, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, तो पूरे चांसेज हैं इसी शीतकालीन सत्र में पास हो जाए। वैसे भी 11 अक्टूबर को केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने जी एक टीवी पर अपना जो भी चर्चा हो रहा था तो उसमें कहा था उन्होंने इसके बारे में, HECI बिल जो है आने जा रहा है। अच्छा सर, तो फिर पीछे का रिटर्न भूल जाएगा कि KVS वाला तो खत्म ही है क्या लग क्या। रहा है ये, जैसे मतलब ये KVS CRT है, ये BPSC है, इसमें GATE आउट कर दिया है, तो इनका तो अब कुछ होने वाला है ही नहीं शायद, या देखिए, अगर जैसे मान लो। केवीएस का मैटर अलग है और बीपीएससी बिहार भर्ती में अलग मैटर है। क्यों? देखिए, केवीएस जो है वो अपना नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें क्लियर किया था कि हम जो है BEd को मौका दे रहे हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा कोर्ट ऑर्डर पर। और अब वो जो है कोर्ट ऑर्डर को देखते हुए इतना लंबे समय रुके रहे, फिर कोर्ट ऑर्डर आने के बाद आगे बढ़े, तो वैसे भी जो है ये प्राइमरी जो भर्ती है मेनली वो जो है BEd के लिए तो रहा नहीं है, डिप्लोमा वालों के लिए रहा है, तो KV तो अब आगे बढ़ चुका है। लेकिन बिहार मैटर में, जैसे छत्तीसगढ़ मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि BEd वालों को लीजिए, काउंसलिंग कराइए, नियुक्ति दीजिए, वो सब कुछ वहां हुआ, लेकिन बिहार मैटर में बिहार सरकार गई, फिर केस वापस लेकर आ गई, और अभी हाई कोर्ट से वहां ऑर्डर हो गया है कि BEd वालों को बाहर की जो पहले भर्ती हुई है 2 साल पहले भी, उनसे भी। तो इस पर हम बराबर हर किसी से कहते हैं कि जब भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, अलग अलग पार्टियां होती हैं, तो जो भी योजनाएं केंद्र सरकार लेकर आती है तो राज्य सरकार वो करना नहीं चाहती है या विवाद करती है। जैसे BEd को वैलिड किया था BJP ने, चाहे वो 2000 की बात कर लें, चाहे ये अभी 2018 में जो गजट आया था, तो राजस्थान में कांग्रेस थी, वहां पर उन्होंने विवाद करके गजट रद्द करा दिया। तो ऐसे ही बिहार सरकार, तो वो भी जो है BJP के अगेंस्ट है, वो नहीं चाहते हैं कि जो चीजें केंद्र सरकार यानी कि BJP जो कर रही है वो उसमें सफल हो। तो वो जो है दिखा तो रहे हैं कि हम BEd के साथ हैं, लेकिन वो सारे काम जो है BEd के अगेंस्ट कर रहे हैं। वो गए BEd के लिए सुप्रीम कोर्ट, फिर केस ही वापस लेकर चले आए, और अभी हाई कोर्ट से जो है आप जानते हैं कि कोर्ट पर थोड़ा सा प्रभाव जो है स्टेट गवर्नमेंट का रहता ही है, वहां से ऑर्डर हो गया जो BEd वाले हैं उनको भी बाहर कीजिए। तो सर जैसे HECI बन गया, उसके बाद हमारे पास एक टीम गठित हो गई, उसके बाद कमेटी बन गई, अगर वो दोबारा अगर करना चाहे तो वैसे कोई कर भी सकता है वो, जब जैसे केवीएस। HECI बन जाएगा, हाँ इसमें सदस्यों का चयन हो जाएगा, गठन हो जाएगा, उसके बाद उनको जो पावर मिले होंगे उसके अनुसार वो नए नए रूल्स बनाएंगे, जी और वो जो है HECI
बिल जो है वो इसीलिए आ रहा है, HCI नया आयोग इसीलिए बनाया जा रहा है, NCT UGC AICT को इसीलिए खत्म किया जा रहा है, क्योंकि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको पूरी तरह से लागू करना है, और जो पुराने जो UGC है, NCT है, AICT है, इनके अपने जो रूल्स हैं, अपनी सारी चीजें हैं, तो उनके कारण जो है बहुत सारी चीजें विवादित हो जा रही हैं, क्योंकि पहले कुछ और रूल थे और प्लानिंग अब कुछ और करने की है, उनके पास जो पावर है उस पावर से जो है ये सारी चीजें संभव नहीं है, तो इसीलिए जो है ये तीनों जो है खत्म करके एक नया HCI बनाया जा रहा है कि नए रूल्स फिर से बनाए जाएंगे और उनको जो है एक्स्ट्रा पावर दिया जाएगा, जो पावर पहले दिए गए थे उनको देखते हुए कि कहाँ समस्याएं आ रही थी, तो अब नया जो है सारा चीज डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसमें लिखित में रहेगा सारी चीजें कि इनके पास क्या क्या पावर होंगे, तो जब पावर मिल जाएगा तो इसके बाद फिर ये नई नई चीजें करेंगे, तो अब जो है सारी चीजें बदल जाएंगी जैसे ये बिल पास होगा, और जो विवाद हैं तरह तरह के वो सारे खत्म हो जाएंगे, इनके पास पूरा पावर होगा सारी चीजें करने का। हाँ, अभी कंफर्म कुछ नहीं है, मगर अगर वो चाहें तो भर्ती विवादित कर सकते हैं अभी, जैसे देखिए विवाद जब ये बिल करते पास हो जाएगा, तो हैं। अब ये बिल पास हो जाने के बाद जिस डेट से ये सारी चीजें करेंगे वो सारी चीजें उस डेट से लागू होंगी। अगर कोई चीज ये जारी करते हैं और उसमें ये डिक्लेयर किया जाता है कि ये चीज पीछे का बैक डेट कोई जारी करते हैं कि उस डेट में किया जाएगा, तो उस डेट में, लेकिन ऐसी कोई संभावना दिख नहीं रही है। जो बैक डेट कंफर्म में जो काम होना था वो लगभग NCT के माध्यम से कराया जा चुका है, जैसे टेट सीटेट लाइफ टाइम, या जो बीएड वाले हैं पुराने कैंडिडेट उनको जो है 50% का जो रूल बना हुआ है उससे छूट देना, तो वो सब चीजें जो बैक डेट से होनी थी NCT के माध्यम से कराया जा चुका है। अब जो है बैक डेट में कोई चीज होने की संभावना मानकर चलिए कि ना के बराबर। अब जो भी ये करेगा HCI आगे नया नया रूल बनाएगा, पीछे कोई चीज अगर जो है गड़बड़ था तो उसको नया रूल बना करके आगे के लिए सही कर देगा, पीछे की चीजें जो है हमें नहीं लगता है कि ज्यादा ये छेड़छाड़ कहीं करेंगे, पीछे जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ेंगे। चलो सर, यही पूछ रहे थे, बड़ी परेशानी में तो पढ़ाई होती है, तो गांव में रहने के बाद सर पापा ड्रिंक करें तो बड़ी परेशानी पड़ती है, एक दिन तो भारी पड़ता है, तो हाँ बात तो सही है, लेकिन सारा वर्क कनेक्शन होता है इसमें पक्का, ये दुख बड़ा परेशानी। अभी कम से कम कुछ बोला तो 1 साल लगभग उन्होंने टाइम गैप बढ़ा दिया। देखिए हम लोग की एक्सपेक्टेशन जो होती है, हम लोगों ने हाई स्कूल किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, या जिसने जो भी किया, करने के बाद हर कोई तो चाहता है कि कोई चीज जो है जो हम सोच रहे हैं वो तुरंत हो जाए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं तुरंत हो जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं नहीं होती हैं, तो जो चीज अपने हाथ में वो तो अपने अकॉर्डिंग मैनेज किया जा सकता है, लेकिन जो चीज अपने हाथ में नहीं है तो उससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगाना चाहिए। ठीक है आपने जो है तैयारी किया, एग्जाम दिया, रिजल्ट भी आपके अच्छे रहे, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है विवादित थी उनका प्रभाव रहा, इसलिए जो है नहीं हो पाया, तो अब जो है उधर से थोड़ा सा ध्यान हटाइए, अब आगे देखिए क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, अर्निंग करते रहिए, बैठिए नहीं, अपने आप को व्यस्त रखिए, प्रतिदिन जो है पढ़ते रहिए, भर्ती जो भी आएगी चाहे UP किया है, चाहे KVS किया है, या अन्य कोई भी आए, तो उसके लिए तैयार रहिए पहले से, कंटिन्यू अपनी पढ़ाई जारी रखिए, बस ये सोच करके कि बस आपके पास महीना 2 महीना 3 महीना है, सब रिवीजन करना है जो भी पढ़े हैं पहले का, उसके बाद जो भी एग्जाम आएगा वो देना है, ये सोच करके एक टाइम टेबल नया बनाइए, नए जोश के साथ एकदम तैयार रहिए। और CTET इस बार भरे कि नहीं भरे फिर से? हाँ सर, भरा तो 68 वाला, उसमें थोड़े नंबर कम थे तो मैंने तो उसमें भर अगला टारगेट दिया। आपका जो है जनवरी में एग्जाम है CTET, तो 1 महीने के लिए नया टाइम टेबल बना करके, 1 महीने का प्लान करके इसमें एकदम अपने आप को जो है बिजी कर दीजिए। सर आप पर प्रॉब्लम मैं बताऊँ कहाँ पर है मुझे, ना ही जैसे आप टाइमिंग का बात कर रहे हैं, टाइमिंग की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारे पापा जी की, हमारे पापा जी बिल्कुल भी इन चीज़ों को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, उनके लिए बस बस पूछो मत कैसे कैसे पढ़ाई की है, बस बहुत डिफिकल्ट कर देते हैं, ड्रीम कर रहे हैं सब लोग, अनपढ़ हैं इधर उधर, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, एक एक दिन भारी पड़ा, ऐसा नहीं, लग रहा तो नहीं क्या, बात तो सही, लेकिन वो उनका क्या कहना है? उनका तो यही कहना है कि पढ़ने वाले बेकार है सब, ये है वो सरकार बेकार है, ये है वो कोई लगती है, ये वो और सब पढ़ने वाले ने देख लिए सब बेकार रहते हैं, ये वो अब उन्होंने टैलेंट से मेहनत से उन्होंने इस बात का कोई मतलब नहीं आता, देखिए ये प्रॉब्लम मेरे लिए सबसे बड़ी है। देखिए घर वालों की एक उम्मीद होती है, जी
वो एक नॉर्मल लाइफ को सोच करके सारी चीजों को चलते हैं, वो इतना दुनियादारी नहीं जानते हैं। आपने अभी बताया कि वो लोग इतना पढ़े लिखे नहीं है, समझते नहीं है सारी चीजें। बिल्कुल भी नहीं, वो तो जीरो बिल्कुल ग्राउंड लेवल है, तो मतलब लेवल चूंकि नहीं हो रही इतने है। इतनी सारी चीजें हैं वो जो नहीं जानते हैं, तो उनको आप समझाने भी बैठेंगे तो उनको नहीं समझ में आएगा, और अगर समझ में आएगा भी तो भी वो जो है अपने नजरिए से सारी चीजों को देखना चाहेंगे और उसी हिसाब से बात करेंगे। तो पहला जो घर वालों का होता है प्राथमिकता, कि एक उम्र हो जाने के बाद कि अर्निंग कर रहे हमारा बच्चा, तो अर्निंग हर हाल में करते रहिए जितना कर सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं। इसके बाद जो है, एक उम्र हो जाने के बाद उनकी जो और उम्मीदें हैं, जैसे शादी विवाह हुआ या अन्य कुछ भी, तो लगातार उस तरफ जो भी चीजें करनी है वो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सर वो बात मैं आपके समझ रहा हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं। अर्निंग मेरी है भी, मैं कमा भी रहता हूँ, जैसे कमाने के लिए क्या अभी मैं मतलब कोई स्कूल भी नहीं जा रहा हूँ, तो 10,000 रुपये महीने, अब 10,000 रुपये महीने में कमा लेता हूँ आराम से बच्चों की कोचिंग में। तो एक काम कीजिए ना, जी देखिए आपने एक चीज सुना है कि घर की मुर्गी, दाल बराबर, तो आप थोड़ा सा त्याग कीजिए, थोड़ी समस्याएं झेलिए और घर से थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। दूरी बना लेंगे तो आपके लिए वो बेहतर होगा। बाहर आप जाकर कहीं पर रहेंगे, जो भी जहां भी आपको लगता हो कि आपके लिए उचित होगा, तो खर्चे तो जरूर होंगे, लेकिन वहां पर आप सारी चीजों को टेंशन फ्री हो करके अपने अकॉर्डिंग कर पाएंगे। अब घर में है, वही चीजें रोज 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 होती रहेंगी, वही बातें आज हुई, फिर 2 दिन बाद, 4 दिन बाद फिर होंगी, रोज सामने है तो रोज बातें होंगी ही। वो तो आप वहां नहीं होंगे तो फोन पर कितने दिन बातें होंगी वो सारी। अगर मान लो सर, अगर जैसे पापा भी कुछ नहीं कहते हैं, तो रिलेटिव आते हैं जो रिलेशन में होते हैं, वो उन्हें चढ़ा कर चले जाते हैं, तो फिर वो लड़ाई वड़ाई करते हैं फिर। इसीलिए तो कह रहे हैं कि जो है उनका जो अपना सोचना है, सारी चीजें हैं, वो सिर्फ अपने दिल दिमाग से नहीं चल रहे ना, इतने सारे लोग हैं वो भी आ करके तरह तरह की बातें करते हैं, तो प्रभाव तो पड़ता ही है। ये आपके साथ नहीं, हर किसी के साथ होता है, या हमारे साथ भी है रहा है। तो इसमें क्या है, ये अभी आप बता रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हैं इस वक्त, उससे 8-10 हज़ार रुपये आप कमा रहे हैं ना, पैसा तो 10,000 रुपये तो आ जाते हैं, बच्चे की कोचिंग इतनी है, कब करवा तो लेता हूँ। आप गांव के रहने वाले हैं। जी सर, अच्छा, और अगर आपको शहर में जाना हो तो किस शहर में जाएंगे, कहाँ है आपका करीबी शहर। 2-3 किलोमीटर के एरिया में सुवार है, सुवार क्षेत्र है। 2-3 किलोमीटर, क्या नाम आपने बताया। सुवार क्षेत्र है सर, डिस्ट्रिक्ट इससे रामपुर है। अच्छा, रामपुर, तो जो आपने बताया उससे बड़ा शहर कौन सा है आसपास। उससे बड़ा सर रामपुर ही है सर, फिर उधर ठाकुर द्वारा भी फेमस है कोचिंग के लिए। तो रामपुर जो है आपके यहाँ से कितनी दूर है। रामपुर सर 30 किलोमीटर। तो आप रामपुर निकल जाइए, थोड़ा बड़ा शहर रहेगा, आप टीचिंग करते ही हैं, अगर आपके अकाउंट में 20-30 हज़ार रुपए हैं तो आप निकल जाइए रामपुर। या तो एक कमरा लेकर के रहिए, या वहाँ कोई रह रहा हो उनके साथ पार्टनरशिप कर लीजिए, या अपना रूम लेकर के किसी को रख लीजिए पार्टनरशिप, या फिर हॉस्टल वगैरह वहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। और ये दिसंबर है, अब जो है महीने 2 महीने के अंदर जो है सारे स्कूल वाले वैकेंसी निकालेंगे, तो स्कूल में कोचिंग में ट्राई कीजिए, वहाँ पर जो है पेमेंट भी ठीक ठाक मिल जाएगा, और आप जाएंगे वहाँ तो माहौल भी चेंज होगा, और हो सकता है शुरू में थोड़ी दिक्कतें हों, लेकिन हमें लगता है कि आप यहाँ जो 10 हज़ार पा रहे हैं, आप अगर रामपुर निकल जाते हैं तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब आप ठीक ठाक कमाने लगेंगे तो 25-30 हज़ार से ज़्यादा ही कमाएंगे। तो हाँ आप सर, इतना इतना तो हो जाएगा, उम्मीद है। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि आपके जो रिजल्ट है ना वो बता रहे हैं कि आप जो है अच्छा पढ़ाएंगे, और कोई भी स्कूल वाला आपको लेना चाहेगा, कोई भी कोचिंग में आप जाएंगे, जो सब्जेक्ट आपका होगा, जिस पर कमांड होगा पढ़ाना, तो वो आप कर ले जाएंगे, और गए उजरे में 25-30 हज़ार आप कमा लेंगे। अगर 25-30 हज़ार रुपये आप कमा लेते हैं, उसमें से बाहर रहने में मान के चले कि 6-7-8 हज़ार रुपये महीने का खर्चा आता है, तो भी आप जो है यहाँ जो कमा रहे हो उससे ज़्यादा ही वहाँ सेविंग कर लेंगे। हाँ सर, ये तो है। और अगर मान के चलें कि 20 हज़ार रुपये भी आप वहाँ कमाने लगे, दस जी हजार रुपये आप हर महीना घर भेजने लगे, और 10 हज़ार में अपनी चीज़ों को मैनेज करने लगे, और फिर कंटिन्यू लगे रहे अपनी इनकम को जी और बढ़ाने, तो घर वाले भी खुश रहेंगे कि 10 हज़ार जब घर भेज दे रहे हैं तो उनको भी पता रहेगा कि यानी कि कुछ अपना भी खर्चा वर्चा होगा, वो भी
सारी चीजें कमा ही रहा है, तो उनको भी रहेगा हाँ चलो 20,000 कमा रहा है, 30,000 कमा रहा है, वो जब सुनेंगे तो पहले की तुलना में जो है अच्छा उनका भी विचार बदलेगा, और जब वो जानेंगे कि हाँ इन इन संस्थानों में आप पढ़ा रहे हैं, ऐसे जगह पढ़ा रहे हैं, तो उनका भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं अच्छी जगह पर है। गांव में गाँव सी ए वाला लेवल नहीं है सर जो आप सुन रहे हमारा प्रॉब्लम ये है, उनका ग्राउंड लेवल है और मेरा लेवल बिल्कुल अप है, तो बहुत दुर्वग कंडीशन है। अगर नहीं वो उनका ठीक है, ग्राउंड लेकिन लेवल वो है तो फाइनली फाइनली चाहते क्या है, आप टीचिंग छोड़ दीजिए, किस फील्ड में फिर ले जाना चाहते हैं? ये कहते हैं कंपनी में काम कर लेंगे, लेकिन मैं कंपनी में काम करके क्या करूंगा, मैं कंपनी, किस तरह कंपनी में किसी कौन सी भी कंपनी, कंपनी में किस तरह की कंपनी? जैसे लड़के करते हैं ब्रकर में काम करते हैं 10-10 15-15 हज़ार रुपये में जितने उसमें ही करवा लेता हूँ अच्छा मैं भी मतलब जाऊंगा। मतलब कोई नौकरी कर लीजिए 10-15-20 हज़ार का, यही ना? हाँ वो ये कहते हैं कैसे पढ़ के तुम पीछा कर रहे हो, ये तो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, तुम बेकार हो बिल्कुल, ये प्रॉब्लम आप सिर्फ इनकम की बात कीजिए कि मंथली वो कितना चाहते हैं कि आप कहीं जहां भी वो कह रहे हैं कंपनी में, तो कितना कमा है। आपसे उम्मीद कर रहे हैं कमाने का? उन्हें 10-15 दे दो, बहुत है। हाँ 15 ना? बहुत है। और आप अगर रामपुर निकल जाइए अभी, आपके पास अपने खुद के पास आपके सेविंग अकाउंट में या आपके पास कैश कितने पैसे होंगे? लगभग हाँ सर 30-40 हज़ार रुपये है 30-40 है ना? जी सर। आप जाएंगे रामपुर में, 5,000 रुपये में महीने का हॉस्टल मिल जाएगा, खाना पीना रहना तीनों मिल जाएगा आपको। जी सिर्फ आप जाएंगे, शुरू में आपको कुछ कपड़े वपड़े लेकर के ही जाएंगे, हो सकता है वहां पर जाने के बाद कुछ बेड वेड से संबंधित, रजाई वगैरह, ठंडी का दिन है, कुछ खर्च करना पड़े, तो 5,000 और खर्चे मान लीजिए एक बार का। जी हॉस्टल में आपको बना बनाया खाना मिलेगा, हॉस्टल में जी आपको बेड वगैरह सारी सुविधा मिलेगी, आप जी 1-2 महीना जहाँ हॉस्टल में रह करके बिताइएगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छा कमाने लगेगा, फिर हॉस्टल छोड़ करके आपको जो अच्छा लगेगा वो कीजिएगा, ये मान करके चलिए कि आप जो है 1 महीना 2 महीना छुट्टी पर जा रहे हैं। और वहाँ जा करके बिंदास हॉस्टल में रहिए, आप ही के जैसे वहाँ लड़के मिलेंगे, तैयारी करने जी वाले आपसे और अच्छे लोग मिलेंगे वहाँ पर, सीनियर्स मिलेंगे, तो वो जी जो आपको बैकग्राउंड मिलेगा वहाँ पर, सीनियर्स का जो सपोर्ट मिलेगा, उनका जो अनुभव जी मिलेगा, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा, और जॉब तो आपको मिल जाएगी, कंफर्म है। आप जाएंगे 15 दिन 1 महीने के अंदर कोई ना कोई जॉब पा जाएंगे, तो 1 महीने का मान करके चलिए कि अगर आपको जॉब ढूंढने में 1 महीना लगता है, तो 2 महीने का हॉस्टल का खर्च मान लेते हैं 5,000 रुपये का है तो 10,000, और 5,000 रुपये और खर्चे मान लेते हैं 15,000 रुपये, एक लमसम 2 महीने का रख करके चलते हैं कि 15,000 रुपये में आप 2 महीने में कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे, कोई अच्छी जगह आप जॉब ढूंढ लेंगे 15-20 हज़ार रुपये का। तो सर जो तो स्कूल में सवार में जो गया हूँ अपने सवार क्षेत्र में जो पास में, मैं जिस भी स्कूल में जाता हूँ तो टीचिंग के लिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम मना तो कोई करता ही नहीं है, वो जैसे मैं आप आपको आसपास डॉक्यूमेंट मत दूंगा जाइए, आप ये तो फोकस कीजिए कि आपको जॉब करना है, लेकिन घर से थोड़ा सा गैप बनाना है कुछ समय के लिए, घर से थोड़ी दूरी, घर पे आप रहेंगे डेली, वही सारी चीजें। देखिए आप 15,000 कमाइए और पूरे दिन घर से बाहर रहिए, फिर शाम को आइए, और आप घर में बैठ करके घर से ही बैठे बैठे 20,000 कमाइए, घर वालों को लगेगा ये कुछ करता ही नहीं है, हाँ यही तो प्रॉब्लम है, मैं कमा कितने भी लोगों ने दिखते नहीं। क्योंकि आप सामने हैं ना। हाँ अब उन्हें लगता है 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाता है ये। अगर आप जो है उनके सामने बैठे हुए हैं और आप मोबाइल खोले हुए हैं, आपने खोल लिया सरकारीरिजल्ट.com, आपने खोल लिया कि जॉब से संबंधित कोई साइट, आपने खोल लिया KVS की साइट या कुछ भी खोल लिया, और 1 घंटा मोबाइल चला रहे हैं, आप तो कर रहे हैं काम, हाँ मैं तो कर उनको ये क्या तो लगता यही है, रहता उनको क्या यही लगता रहता कोई तो है? उनको तो लगेगा काम फालतू तो बैठे बैठे मोबाइल चला रहा है बस। हाँ उन्हें ऐसे लगता है यार ये मोबाइल चला रहा है, मैं यही काम करता हूँ, कभी वो साइड कभी वो देखते रहता हूँ क्या आ रहा यही होता कैसे है कैसे। कि घर में आप जो है चाहे कितने देर बैठकर काम कर लीजिए, उससे चाहे जितना कमा लीजिए, वो काम होता नहीं दिखेगा, क्योंकि पहले के लोग शारीरिक श्रम से पैसा कमाते थे, अब भी वही वो कर रहे हैं हमारे पापा। और हाँ अब भी वही कर रहे हैं, और उनकी सोच भी वही है कि जो है शारीरिक श्रम में होना ही, वही उनके लिए लगता है कि तभी कोई काम कर रहा है, जबकि हाँ उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे यहाँ जो सड़क बना है, ये सड़क जो बनाने वाला मजदूर था एक दिन में 300, 400, 500 रुपये पाता था, और इसी सड़क को जो है कोई इंजीनियर लगाया गया होगा, वो इंजीनियर आता होगा 10 मिनट खड़ा होकर के ऐसे करो वैसे करो ये करना है इतना मिलाना है बोला, फिर जा करके आराम से बैठ गया अपना अंदर ऑफिस में AC में, सिर्फ जो है 15 दिन में 2 बार आना है उसको, और वो जो है प्रतिदिन
अगर महीना का न करके प्रतिदिन का निकले तो 1000 2000 पा रहा होगा, 3000 पा रहा होगा, 5000 पा रहा होगा प्रतिदिन का। तो 500 कमाने वाला मजदूर उनको काम करता दिख रहा है पूरे दिन, अब 5000 जो है प्रतिदिन कमाने वाला, अरे वो तो बैठा ही रहता है बस, तो उसको लोग तो यही कहेंगे अरे वो तो बैठा ही रहता है, काम नहीं करता दिख रहा ना वो, क्योंकि आप मोबाइल पर बैठे, मोबाइल पर आप कुछ कर रहे हैं, लैपटॉप पर कुछ कर रहे हैं, फोन पर किसी से बात कर रहे हैं, वो काम में नहीं आता है। सर एक प्रॉब्लम हो रही है मेरी, ये हाँ ये जो अभी हमने बताया ना, ये सोच का फर्क है। जिस दिन आप बाहर रहेंगे ना, जैसे एक हम एग्जांपल बताते हैं फिर अपनी बात कहिएगा। जब हम पढ़ा रहे थे केवी में, तो शुरुआत में हम भी ऐसे ही जॉब ढूंढ रहे थे, जब बीएड कर लिए टेट तो जॉब ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहा था, तो फिर जॉब ढूंढते ढूंढते केवी में हमें मिला मौका और हम निकल गए नागालैंड। तो वहां पर हम भी थे और भी कुछ लोग थे जॉब कर रहे थे, तो फिर हम तो स्विच करते रहे यहाँ वहाँ, वहां पर रहे हम 2-3 साल। एक टीचर का जो है वहां पर जो है रूल था, केवी का रूल है कि 2 साल के बाद तीसरे साल रिपीट नहीं करते हैं, तो वो भी जो है वहां पर उनका हुआ था, 2-3 साल वो कर लिए, उसके बाद केवी रिपीट नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने वहां पर एक स्टेट गवर्नमेंट का या कोई प्राइवेट स्कूल 8 या 10 हजार रुपए में ज्वाइन कर लिया। हम कह भैया यहाँ क्यों है, जब इतना ही कमाना है तो अपने क्षेत्र में चलिए वापस अपने यूपी। तो कहे यूपी में जाके चाहे हम 10 हजार कमा ले चाहे 25 हजार कमा ले, घर वालों के लिए कोई वैल्यू नहीं। अभी आप जब बाहर है, आप साल में एक बार दो बार जाएंगे, आपकी वैल्यू है कि अरे वो तो वहाँ काम करते हैं। यही तो चीज है, तो ये चीजें है लोगों की सोच में। हाँ बोलिए सर। मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे मतलब जैसे मैंने बचपन से पढ़ाई करी तो लगभग मुझे मेरे क्षेत्र के सभी लड़के जानते हैं। तो जैसे अगर आप कुछ की गवर्नमेंट जॉब लग भी गई है, जो पहले से भी कर रहे हैं, जो कुछ सीनियर है, कुछ जूनियर है, तो गवर्नमेंट जॉब में भी अच्छे अच्छे पद हैं, यूपीएससी लेवल की तैयारी भी कर रहा है बंदे। अब जैसे मैं उनसे बात करता हूँ यार, वो मेरे सामने जैसे एजुकेशन को लेकर वो मतलब दब के बात करते हैं, फिर भी कहा मैं कुछ भी कर रहा हूँ जो मेरी गंडी है ना, उसे देख के वो ये बहुत दब के बात करते हैं। लेकिन रिसेंटली जैसे मैं गाँव घर में आता हूँ तो एकदम से ऐसे मान लो कि बिल्कुल करके उस वो इज्जत जो मिलती है उसका 0% भी नहीं है यार। ऐसा मन बहुत थोड़ा सा पड़ जाता है कि यार क्या है उधर, वो जॉब वाले तक नहीं बोलते सामने, और रिसेंटली घर आने के बिल्कुल करके बिल्कुल बेकार हो जाना, ये ऐसा लगता था। तो अभी तो हमने बताया ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर है, तो कहानी वही है। आप जब बाहर रहने लगेंगे जी, तो आप जो है साल में एक बार दो बार आएंगे तो आपकी वैल्यू होगी। कभी भी किसी के यहाँ शादी में जाइए, कभी किसी के घर जाइए, तो आप अगर वहाँ 2-4 दिन रुक गए और आप जो है सिर्फ जो है मेन मौके पर जा रहे हैं और फिर 1 घंटा 2 घंटा रुक करके चले आ रहे हैं, दोनों में बहुत फर्क होगा। जब आप वहाँ रुकेंगे, किसी के घर जाइए, आप उसी दिन वापस आ जाइए, और किसी घर 2 दिन 3 दिन रुक जाइए, देखिएगा एक दिन के बाद दूसरे दिन से वो जो है घर का सदस्य आपको समझने लगेगा, वैसे ही रिएक्ट करने लगेगा। और एक दिन के लिए गए हैं, 2 घंटा 4 घंटे के लिए गए हैं, तो एज अ मेहमान ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो अपनी वैल्यू जो है अगर बनानी है तो जो है समय ज्यादा किसी को ना दीजिए। जितने भी नेता प्रेता या एक्टर लोग हैं, जब भी देखे कोई प्रोग्राम होता है, ये लोग देर से आते हैं। देर से इसीलिए आते हैं क्योंकि ये लास्ट मोमेंट में आते हैं या ऐसे टाइम में आते हैं जब वहां पर लोग इनका इंतजार कर रहे होते हैं काफी टाइम से, तब ये आते हैं और फिर थोड़े समय रुक करके फिर निकल भी जाते हैं। प्रोग्राम अभी खत्म नहीं हुआ, निकल जाते हैं। ऐसा नहीं कि इनके पास बहुत काम है, काम है तो भी, नहीं है तो भी ये ज्यादा समय नहीं देते हैं, क्योंकि कहीं भी आप किसी को भी आप ज्यादा वक्त देंगे वो आपकी कदर नहीं करेगा, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे घर वाले हो, चाहे बीवी हो, चाहे कोई हो, किसी को आप ज्यादा समय देंगे। शादी जब अभी हुई कि नहीं आपकी? नहीं सर। जब शादी हो जाएगी तो सेम यही चीजें बीवी के साथ भी रहेगा, जितना ज्यादा वक्त देंगे बीवी जो है फिर आपके साथ वैसे ही रिएक्ट करेगी जो अभी घर वाले कर रहे हैं। आप घर से बाहर जितना रहेंगे, जितने भी लोग हैं देखिएगा, चाहे जॉब वाले हों चाहे बिजनेस वाले हों, घर पर शादी होने के बाद घर पर कम रहते होंगे, बाहर ज्यादा रहते होंगे। फालतू भी अगर उन्हें कोई काम नहीं भी है ना, तो वो दोस्त के साथ बैठ करके या जहाँ भी बाहर बिता देंगे, घर कम जाएंगे। हाँ सर, जैसे बाहर के बंदे काम कर रहे हैं ना, उनकी एक एक की डिटेल पता है, वो कितना कमा रहे हैं कितना नहीं, वो गाँव मान के झूठ बोलते हैं, उनकी बात सब सच मानते हैं। तो कुल मिला करके ये समझिए कि वही घर की मुर्गी दाल बराबर वाली कहानी हर कोई है। आप अभी जो है आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो उससे जो है दिन रात बातें कीजिए, वो एकदम हल्के में आपको लेने लगे। लेकिन वही कोई आप दूसरी लड़की हो उसको आप सिर्फ 10 मिनट बात कीजिए, अच्छा फोन रख रहे हैं हमें जरूरी काम है, दोनों में देखिएगा फर्क बहुत मिलेगा आपको। जिसको कम समय देंगे वो आप
जो है समय की कदर करेगा, आपकी वैल्यू करेगा। जिसको ज्यादा समय देंगे वो बिल्कुल वैल्यू नहीं करेगा, चाहे वो घर के लोग हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे बीवी हो, चाहे कोई हो। अगर आपने समय ज्यादा दिया एक लिमिट से ज्यादा, तो आपकी वैल्यू खत्म होने लगेगी। इसलिए कभी भी किसी को ज्यादा समय मत दीजिए। अरे सर, मैंने तो सोचा भी ना इस बार मैं स्कूल में पढ़ाने जाता था तो बहुत से मतलब लड़कियां बोलती भी थी, मैंने इसकी तरफ को तो मुंह उठा के देखा इस चीज में, किसी भी तरीके से जैसे गरीबी है बस सक्सेस मिल जाए निचले लेवल से। अभी मान लो कि हाँ अभी बहुत आप ज्यादा डाउन प्लान है। कीजिए, आप रामपुर निकलिए, अभी 30-40 हज़ार रुपये हैं आपके पास, बैकअप है, और आप कॉन्फिडेंट हैं बिल्कुल, आपको जॉब 100% मिल ही जाएगी। हाँ मैं स्कूलिंग में तो कोई परेशानी पड़ेगी नहीं, इतना पता है, इतनी नॉलेज तो है, पढ़ाई इतना है कि नॉलेज रहती है, खर्चे के लिए तो लगभग स्टार्टिंग से पढ़ाया है। तो बस आप निकल जाइए बाहर, आपको पहले महीने में ही उम्मीद है कोई ना कोई स्कूल में जॉब मिल जाएगी। आप डेली अखबार जरूर लीजिएगा और जो भी ऐड आ रहा होगा देखिएगा, और टीचिंग का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मिलेगा तो बहुत सारे ऑप्शन वहाँ रहते हैं, वैसे टीचिंग ही मिल जाएगा, कोचिंग है, ट्यूशन वगैरह भी वहाँ मिल जाते हैं, होम ट्यूशन में। वहाँ शहर में आप रहेंगे तो 2 से 3 हज़ार रुपये गए गुजरे में एक बच्चे का 1 घंटे का मिल जाता है। सुबह भी अगर आपने 2 ट्यूशन दे दिया, शाम को भी अगर 2 दे दिया, 3 हज़ार रुपये भी मिल रहा है, 4 दे दिए तो 12 हज़ार रुपये तो ऐसे ही मिल जाएगा। और अगर आप स्कूल में पढ़ाने लगे और सुबह शाम ट्यूशन भी देने लगे, तो स्कूल से अगर आप जो है वहाँ 15 हज़ार पा जा रहे हैं, 12 हज़ार इधर से पा जा रहे हैं, 26-27 हज़ार रुपये हो जाएगा। तो आप निकल जाइए रामपुर, यहाँ जो भी है, यहाँ की मोह माया त्यागिए, जितनी जल्दी हो सके निकल जाइए। पर क्या सर, वैकेंसी का डर रहता है थोड़ा बहुत, मैंने कि यार इतने दिनों से मेहनत करते करते कहीं ऐसा ना हो लास्ट टाइम जान के रास्ता भटक जाए। नहीं, रास्ता नहीं भटकना है, और घर वालों से हर चीज शेयर करना वो बंद कीजिए, चाहे वो मम्मी हो, चाहे वो पापा हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे एनी पर्सन हो, हर चीज शेयर नहीं करना चाहिए हर किसी से। तो आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं, ये तो कभी किसी को मत बताइए। अगर आप जा भी रहे हैं रामपुर, तो उनको ये मत बताइए कि आप जा रहे हैं वहां जॉब करेंगे, जॉब तलाशेंगे। इस तरह की बातें करेंगे तो बहुत सारी नेगेटिव चीजें आएंगी। आप कुछ पॉजिटिव बता करके निकलिए वहां से। आप ये बता दीजिए कि वहां पर हमारी जॉब लग गई है, वहां पर हमें जो है 15 हज़ार रुपये का या 20 हज़ार, यही चाहते हैं ना पेमेंट ज्यादा, तो उनको जितना आपको लगता हो ये बता करके निकल जाइए। क्योंकि एक मेरा दोस्त है, वो बुला रहा है, इतने का जॉब है, वो जो है वहां जा रहे हैं, तो आप 20 हज़ार रुपये का बता दीजिए, 25 हज़ार बताइए। वहां जाने के बाद फिर बात होगा, कह देगा हाँ वो जहाँ बताया था वहां नहीं हो पाया और तलाश कर रहे हैं, वहीं रहिएगा फिर तलाश करिएगा। यहाँ से पॉजिटिव कुछ बता के निकलिएगा, ये नहीं कि वहां जॉब तलाशने जा रहे हैं, ये कि हाँ वो मेरा दोस्त है, वो बार बार फोन करके बुला रहा है कि हाँ और इतना मिलेगा, ये स्कूल है, इस तरह से कुछ बता करके तब निकल जाइए यहाँ से, ठीक है। यही लास्ट जी सर, पॉजिटिव सबके यही सामने हर चीज रखिए, और दिमाग में क्या चल रहा है, प्लानिंग क्या है, आप फ्यूचर की प्लान क्या कर रहे हैं, ये किसी को मत बताइए। आपका कोई रिजल्ट आया है, उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं, हर चीज मत शेयर कीजिए हर किसी से। लोगों को सरप्राइज दीजिए चीजों को करने के बाद। जी सर, चलिए, और सर बस कुछ नहीं, बस सर इसी बात को लेकर प्रॉब्लम था, मैं सोच रहा था केबीएस में कभी जैसे गजट जा रही हो तो रिटर्न हो कोई चांस हो, तो आपने क्लियर कर दिया, अब आगे की तैयारी के लिए, तो आगे की आप तैयारी अब इधर करेगा। से दिमाग दम हटा दीजिए, मान कर चलिए कि अब केबीएस में जो है बैक होने की संभावना ना के बराबर, अगर कुछ होता है तो नजर रखिएगा, न्यूज आएगा ही। वैसे अब आप आगे की ओर सोचिए, यूपी में जो है भर्ती आएगी उसके लिए सोचिए, या अन्य कोई कहीं भर्ती आएगी उसके लिए सोचिए, और बाहर जा करके अच्छे स्कूल में एक बार जाइए, वहां पर देखिए, डीपीएस में, डीएवी में, या सेंट मैरी, सेंट थॉमस, बहुत सारे होंगे आपके क्षेत्र में, उनमें जाकर के पढ़ाइए एक बार, उनका माहौल देखिए, बड़े बड़े कोचिंग चल रहे हैं वहां पर जो है, अभी आप जो तैयारी कर रहे हैं ना, अब तैयारी से आगे बढ़िए। आप जाइए जो रामपुर में कोचिंग चल रहे हों, वहाँ एसएससी के कोचिंग चलते होंगे, वहाँ सुपर टेट के, टेट के, सी टेट के, जिस सब्जेक्ट पर आपका कमांड है, जो आपका बैकग्राउंड है, जो आप लेकर सब्जेक्ट आए, जिस पर लगता है कि आप अच्छा कर सकते हैं, तो आपके सब जूनियर वहां बैठे होंगे, आप जाकर के आराम से कोचिंग ज्वाइन कीजिए। कोचिंग वाले भी अच्छा पेमेंट देते हैं, 1-2 क्लास लेना होता है दिन भर में, महीने का 10 हज़ार 15 हज़ार वो दे देते हैं, एक ही दो क्लास अटेंड करना होता है। मैं तो टेट हो, सुपर टेट हो, अंडर ग्रेजुएशन हो, मैं अच्छे पढ़ा लेता हूँ मैथ तो तो। अब अगर मान लीजिए आपको एक एक बैच लेना है,
और आसपास जो है आप बाइक रखे हैं या स्कूटी वगैरह रखे हैं, आसपास तीन चार कोचिंग ज्वाइन कर लिए। एक कोचिंग वाला अगर आपको एक बैच सिर्फ पढ़ाने का 1 घंटे का आपको कहता है 10,000 रुपये देंगे, और आपने तीन या चार कोचिंग ज्वाइन कर लिया, तो चार जी कोचिंग ज्वाइन कर लिए, 10,000 भी मतलब 40,000 रुपये हो जाएंगे। और मात्र एक एक घंटा चार जगह आपने पढ़ाया, जी 4 घंटे में, 4 घंटा वो प्लस मान लेते हैं कि सबके बीच में आने जाने में एक एक घंटा और, 8 घंटा आपने दिया, 40,000 रुपये आप आ गए। और वहाँ जब जाकर पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बड़े बड़े और भी धुरंधर होंगे, टीचर्स होंगे, उनके संगत में रहेंगे, बहुत सारी नई नई जानकारी होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नई नॉलेज होगी, तो ग्रोथ वहाँ है, गाँव में ग्रोथ नहीं है। कॉन्फिडेंस तो डाउन रहता है, ये मैंने भी देखा है। तो बस मेनली जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो ठीक रहता है, लेकिन जैसे घर पे रहता हूँ कॉन्फिडेंस लेवल डाउन रहता है, बहुत काफी हद तक ये डाउन रहता है। एक कहानी अभी हम पढ़ रहे थे, उसमें जी था कि एक जगह जो है सब्जियां तौली जा रही थी, तो जी वहां अगर एक मक्खी बैठ जाती है तराजू पर, तो एक जी मक्खी बैठने से क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। लेकिन वही मक्खी अगर सुनार की दुकान पर सोना तौला जा रहा हो, वहां बैठ जाए उसके तराजू पर, तो क्या होगा, बहुत फर्क पड़ेगा। मक्खी की कीमत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? हाँ तो सोने की कीमत की होगी मक्खी की फिर कीमत जो सोने की। तो अपनी जगह जो है सही जगह तलाशिए, आपकी वैल्यू जहाँ नहीं है वहां से निकलिए, जहाँ की वैल्यू होगी वहां पहुंचिए, अपने आप को अच्छे जगह लेकर जाइए, ठीक है। तो आप जी आराम से जो है हमें लगता है अगर थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए और शहर निकल जाइए, तो 40,000 रुपये तक आप महीना जो है आराम से 2 महीने के अंदर खोज लेंगे। हाँ सर, इतना तो मैं पहले 20-25 तो मैं सवार में कर लेता अपने आप किसी बीस बेकार पच्चीस तो खेत हमने शुरुआत में बात किया है, आप हमें पूरा पे। भरोसा है कि अगर आप 24 घंटे में 8 घंटा सोएंगे, 2 घंटा जो है घूमेंगे टहलेंगे अन्य चीजें करेंगे, 10 घंटे निकाल दें, बच गए 14 घंटे, 14 घंटे में जो है आप आराम से 40,000 रुपये तक पहुंच जाएंगे। शुरुआत है, अभी एज है, शरीर भी जो है स्वस्थ है, कम उम्र में अभी मेहनत कर सकते हैं। अभी मेहनत करके शहर में आप अगर पहचान बना लेंगे, तो फिर जिस दिन आप 1-2 साल पढ़ा करके अपने सब्जेक्ट में वहां पहचान बना लेंगे, वही कोचिंग वाले आपको लाख 2 लाख 5 लाख का पैकेज देंगे, हाँ वही देंगे। ठीक फिर आप गवर्नमेंट जॉब को लात मारेंगे, अरे नहीं करना है केवी की जॉब, क्या देगा, 50,000 देगा, 60,000 देगा महीना, 70,000 देगा, यहाँ हमको 5 लाख रुपया महीना मिल रहा है, नहीं करना है हमें केवी का। तब आप लोगों को बताएंगे, अरे हमने तो केवी निकाला था, ये मेरा एडमिट कार्ड है, ये मेरा रिजल्ट है, हम तो ज्वाइन ही नहीं किए, या ज्वाइन किए तो हमने छोड़ दिया। तो उस वक्त ये चीजें बताने में, केवी ज्वाइन करने में मजा नहीं है, केवी तो है। नवोदय इनका रिजल्ट देख करके इनको ज्वाइन करके फिर छोड़ देने में मजा है। तो उस स्टेज पर पहुंचिए कि इनको हमें ज्वाइन करने के बाद इनको छोड़ना है, उनसे पूछिए ना, जो लोग इसको ज्वाइन किए हैं और जो लोग इसको ज्वाइन करके छोड़ दिए हैं, दोनों लोगों से मिलिए, दोनों का कॉन्फिडेंस देखिए। जो ज्वाइन किया है ना, एक समय के बाद वो जो है उस जॉब से परेशान है, टेंशन में वो काम कर रहा है, किसी भी आईएएस से मिलिए, जो आईएएस या पीसीएस से जो जॉब कर रहा हो पिछले कम से कम 3 साल या 5 साल से, और कोई जो है 3 साल 5 साल काम करके छोड़ दिया हो और आकर के किसी कोचिंग वगैरह में पढ़ा रहा हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो हाँ दोनों वो से तो है। मिलिए, दोनों बहुत फर्क समझ में आएगा, बहुत फर्क समझ में आएगा। तो गवर्नमेंट जॉब पूरी लाइफ करने का मत सोचिए, गवर्नमेंट जॉब लेना है, लेकर के दिखा देना है कि हम जो है गवर्नमेंट जॉब हमने निकाला था, हमने ज्वाइन किया था, इतने साल काम किए फिर हम छोड़ दिए, उससे ज्यादा कमाना है। ये 50,000 1 लाख रुपए के चक्कर में मत पड़िए, आप और आगे तक सोचिए ना, हमारी अपनी खुद की कोचिंग होगी, हम महीने का 5 लाख 10 लाख 20 लाख कमाएंगे, ये खान सर कैसे करोड़ों कमा रहे हैं, ये फिजिक्स वाला कैसे करोड़ों कमा रहा है, हम भी कमाएंगे, वो लोग कोई अलग से थोड़े आए थे, खान सर की लैंग्वेज सुन लीजिए कैसे बात करते हैं। हाँ उनकी तो हमारे लेवल की भी नहीं लैंग्वेज, बिल्कुल देहाती लैंग्वेज यूज करते हैं वो। तो कौन सा बहुत जरूरी है कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए इंग्लिश बोलेंगे तभी हम कमा पाएंगे, हम जो बोलते हैं उसी वैसे ही बोलेंगे। इंग्लिश तो बैरियर नहीं है किसी भी सक्सेस के लिए, वैसे इतना रूटीन नहीं है कि इंग्लिश कंपनीज वगैरह। खान सर का चेहरा मिला लीजिए, किससे ज्यादा सुंदर है, शाहरुख खान से अच्छे लगते हैं या विराट कोहली से अच्छे लगते हैं, सलमान खान से किससे ज्यादा अच्छे लगते हैं, नहीं वो तो नहीं, सामान्य से व्यक्ति हैं, तो चेहरा भी मायने नहीं नहीं रखता है, भाषा भी मायने नहीं नहीं रखता है, आपके अंदर नहीं जो टैलेंट है उससे आप दुनिया को क्या दे रहे हैं वो मायने रखता है। मेरा चैनल क्यों लोग देख रहे हैं,
हम क्या उनको कुछ दे दे रहे हैं क्या? हमारे बातचीत करने से क्या किसी को नौकरी मिल जा रही है? आपसे पहले भी बात हुई, आज भी हो रही है, क्या हम आपको नौकरी दे दे रहे हैं या कुछ जो है आपको दे दे रहे हैं? कुछ नहीं, आपसे बात ही तो कर रहे हैं, लेकिन बातचीत से बहुत सारी चीजें जो है आपको संतुष्टि मिल रही है, नॉलेज मिल रहा है या जो भी आपको मिल रहा है, इसलिए आज आप दोबारा बात कर रहे हैं, इसलिए लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं। तो अपने आप को जो है, अपने आप को चैलेंज दीजिए, अपने आप को और आगे ले जाइए, कौन क्या कह रहा है उनको कहने दीजिए। अब आप प्लान कीजिए आज से, अभी से रामपुर निकलने का। अब नेक्स्ट टाइम आपसे जब बात हो, तो आपसे मेरी बात जब हो तो आप बताइए कि हाँ हम रामपुर में हैं या फला जगह पर हैं, और ये हम जो है कर रहे हैं, और मेरी मंथली इनकम 20,000 है, 30,000 है, 40,000 है, इस तरह की बातें अब नेक्स्ट टाइम हो आपसे, ठीक है? होगा। बस बेस्ट ऑफ लक, आपका गवर्नमेंट में भी हो जाएगा, लेकिन अभी जब तो नहीं हो रहा है, तब तक जो है रुकिए नहीं, प्राइवेट में एकदम जो है झंडा गाड़िए, इतना झंडा यहाँ पर गाड़ दीजिए, फिर गवर्नमेंट में गाड़ दीजिए, हर जगह गाड़ दीजिए कि कोई आपके सामने, जैसे अन्य लोग आते हैं कह रहे हैं कि वो लोग इस तरह से बात करते हैं लेकिन घर पर आते हैं इस तरह से, तो जो लोग आज जिस तरह से बात कर रहे हैं, वैसे हर कोई आपके सामने जब खड़ा हो तो अरे आपके बारे में बात करने से पहले, आपसे बात करने से पहले थोड़ा सा वही उनके अंदर भी फीलिंग आनी चाहिए। तो सर ऐसा निकलिए होता आगे। है, ऐसा होता है जैसे मैं अगर जैसे उनसे मैं कहता हूँ जैसे मुझसे नहीं होगा ये, तो वो हंसने लग जाते हैं, और हंसने के बाद ये कहते हैं यार तू हमारी मजाक उड़ा रहा है। अगर मैंने मैं अगर किसी उनसे क्या बोल लगूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड है तो साला कोई मानना तैयार नहीं होता यार, ये हालत हो चुकी है, मतलब कोई विश्वास ही नहीं करता इस चीज़ पर, मतलब इतना दिलीप बन गया कि अगर गाँव में खड़े को भी बोल दूँ तो वो चीज़ वो मानते ही नहीं हो बिल्कुल भी इस चीज़ को, इतना दिलीप बन गया। आप घर से निकल जाइए, जी 6 महीना, 1 साल, 2 साल के लिए एकदम गायब हो जाए, चेहरा ही मत दिखाइए। जितना कम आप दिखेंगे उतनी ज्यादा आपकी वैल्यू होने लगी, लेकिन गायब होने का मतलब ये नहीं है कहीं नेगेटिव सेंस में, आप नहीं कंटिन्यू आगे बढ़ना है। जी और दिमाग में रखिए कि आज का टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ चुका है, जी आज का टाइम जो है बहुत तेजी से आगे भाग रहा है, नई नई चीजें हो रही हैं। अगर कोई व्यक्ति आने वाले कल में ये सोच रहा है कि हम सरकारी नौकरी लेकर 50,000 1 लाख रुपया महीना कमा लेंगे, मेरे लिए इनफ है, नहीं होने वाला है इनफ। नहीं ये तो नहीं आज है। का टाइम 2023 ये है कि आज के टाइम में आपको सोचना होगा कि हम महीने में 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख कैसे कमाएं, उस पर दिमाग लगाना है। सर मेरे खर्चे पूरे नहीं होंगे, जो मेरी फूड प्रोसेस चलती है उससे 50-60 हज़ार मेरे से पूरे होने वाले हैं नहीं। मेरा जैसा माइंड रहता है उसमें अलग ही सोचता हूँ मैं तो बस तो। निकलिए शहर की ओर, जी मोबाइल आप स्मार्टफोन यूज कर ही रहे हैं, सर लैपटॉप टैबलेट ये सब आपके पास होना चाहिए, एक मोटरसाइकिल स्कूटी ये सब होना चाहिए, जो आज के समय की डिमांड है वो सब आपके पास होना चाहिए। कंटिन्यू अपडेट रहिए, हर चीज को टेक्नोलॉजी का खूब यूज कीजिए, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज करेंगे उतने ऊपर तेजी से बढ़ेंगे। ये खान सर आगे क्यों बढ़े, उन्होंने सिर्फ एक कोचिंग में पढ़ाना नहीं चाहा, ऐसे तो उनसे पहले से बहुत सारे लोग कोचिंगों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन खान सर आगे निकल गए क्यों, उन्होंने अपने आप को दुनिया के सामने रखा, ऑनलाइन लेकर आए सब कुछ। क्या वो फीस नहीं लेते हैं? फीस वो भी ले रहे हैं और अन्य कोचिंगों से ज्यादा ही ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने दिमाग लगाया, कहा कि हम 200 रुपये में पढ़ाएंगे, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि 200 रुपये में क्या पढ़ाएंगे, एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे 200 में। अगर आप जाते हैं कोई कोचिंग करने तो वहां पर वो कहता है भैया 5,000 रुपये है ये सीटेट का पूरा कोर्स, समझो 3 महीना पढ़ाएंगे या 5 महीना पढ़ाएंगे, जो भी कहेगा 3,000 है, 4,000 है, जो भी बताता है। जी और वहां पर 5 सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए 5 टीचर लगे होंगे, 3 महीना भी अगर पढ़ाएगा तो 5 टीचर अगर 3 महीना पढ़ाए, अगर 5,000 भी फीस है तो एक टीचर को 1,000 रुपया मिला 3 महीने का, तो 300 रुपया एक टीचर को मिल रहा है, एक बच्चे से 1 महीने का 300 मिल रहा है ना। और वहां लिमिटेड बच्चे हैं, कितने हैं बच्चे, 25 हैं, 50 हैं, 100 हैं। खान सर कह रहे हैं कि हम 200 में पढ़ाएंगे, 200 में एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। अब कोई बच्चा कोई तैयारी कर रहा है, वो 5 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो वो 1,000 रुपये महीना भर रहा है, रहा और जब तक वो पास नहीं होगा ऑनलाइन उनका कोर्स लेते जा रहे हैं, 200-200 रुपये देते जा रहे हैं, 200 रुपये पता भी नहीं चल रहा है, और एक बच्चे से वो 5,000 यहाँ लग रहा है, वहां पर 10,000-20,000 वसूल ले रहे हैं। तो वो दिमाग लगाया, ले रहे हैं ज्यादा लेकिन दिखा रहे हैं कम, ये कैसे संभव हुआ, टेक्नोलॉजी का यूज किया उन्होंने। फिजिक्स वाला आज इतना फेमस है, वो नंबर 1 पर कैसे चल रहे हैं, करोड़ों कैसे कमा रहे हैं, ऑनलाइन लेकर के आए, उनका नाम चल गया, अब अपने नाम का यूज करते हुए अन्य लोगों के माध्यम से पढ़ाई करवा रहे हैं, नाम उनका है, पढ़ा कोई और रहा है, फायदा वो उठा रहे हैं। तो
तो इन लोगों से सीखिए, देखिए कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है? जी सर, चलो सर तो आपका अगर मैं कॉल करूँगा कुछ ना कुछ सेटलमेंट बैठाल के करने हैं। बिल्कुल। अब जो है हम उम्मीद करते हैं कि ये दिसंबर लास्ट या जनवरी में आपसे बात होगी और आप रामपुर में या किसी अच्छी जगह पर होंगे और जी 20-30 हज़ार रुपये महीने का आप जो है जल्दी से जल्दी वहाँ पर कोचिंग स्कूल जो भी ढूंढ लेंगे। ठीक चलिए फिर बात होगी आपसे। है सर, नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते।